Assalamu alaikum, my name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और हम जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज़ जो कि है क्लास 5 के लिए. हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी. तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ. देर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल ऑन दी मैप. नंबर 1 स्टेटेड और वर्बल स्केल. नंबर 2 लीनियर और ग्राफिक स्केल. नंबर 3 रेशो और रेशो फ्रैक्शन स्केल. There are some other features that help us to read the map deeply. For example, grid, latitude, longitude and time zone. Let's talk about these one by one. Grid. Grid on the map is a graph or a network with equal space, horizontal and vertical lines. A grid helps the map reader to find the place. अच्छा जी, जो आपकी ज्योग्राफी नेटवर्क होता है ना, ग्रिड उसको बताता है, यानी वो आपको इक्वल करके बताता है कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, ताकि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपने कोई स्पेस को ढूंढना है, कोई जगह को तलाश करना है, तो आपको बहुत ईजी हो जाता है इस चीज़ से उस चीज़ को तलाश करना मैप के अंदर. लैटिट्यूड. ऑन अर्थ ग्लोब द लाइन्स रन ईस्ट वेस्ट अराउंड द ग्लोब आर द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड. These lines are parallel to the equator, middle of the earth. These lines are used to measure the distance of north and south from the equator. There are 90 lines in the north and 90 in the south of the equator. अच्छा जी, वो लैटिट्यूड वो कहता है कि आप जो है आपको ईजीली वो बताते हैं कि आपने किस तरह से मैयर करना है नॉर्थ से लेके साउथ तक चीज़ों को, यानी नॉर्थ से साउथ तक. ये आपको एक अलग तरीके से बताता है और ये कनेक्ट होता है सेंटर ऑफ द अर्थ से, यानी जो आपका अर्थ का मिडल होता है उससे कनेक्ट होता है, और ये इंटरलिंक करके बताता है कि आपकी जो स्पेस है या आप जो जगह तलाश कर रहे हैं उसका लैटिट्यूड कितना है. लॉन्गिट्यूड. ऑन अ ग्लोब द लाइन्स फ्रॉम पोल टू पोल नॉर्थ टू साउथ आर द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. दीज लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियंस. दीज आर 360, 180 इन द ईस्ट एंड 180 इन द वेस्ट. अब इसी तरह से जो है वो कहता है कि आप लॉन्गिट्यूड क्या है, कि ये बताता है आपको नॉर्थ से साउथ तक कि आपकी जो है वो कितनी डिस्टेंस है, आप कितना जो है वो स्केल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि दीज आर 360, यानी 180 इक्वली ये डिवाइड होता है. 180 ही आपका नॉर्थ है और 180 ही आपका साउथ है. नेक्स्ट वो कहता है टाइम जोन. द अर्थ इज़ रोटेटिंग अराउंड द सन, सो टाइम कैन नॉट बी द सेम इन द होल वर्ल्ड. द अर्थ इज़ डिवाइडेड इन टू 24 टाइम जोन्स. In every hour, the east travels 15 degree. So, if you move to east at 1 hour after every 15 degree, and if you are moving to west, then minus 1 hour after every 15 minutes. अच्छा जी, वो कहता है अगर आप जो है ना वो east जो side है ना उस पर move कर रहे हो. लेट्स सपोज के आप कोई ईस्ट साइड पे जा रहे हो और आप कहते हो कि अब मुझे वहाँ का टाइम जोन नहीं पता, तो हर 15 जो है ना डिग्री के बाद आपका जो टाइम जोन है ना वो बदल जाएगा, यानी एक घंटा बढ़ जाएगा. इसी तरह अगर आप जो है वो वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हो तो एक घंटा जो है वो कम हो जाएगा. नीचे उन्होंने कुछ टाइम जोन्स दिए हुए हैं, उसके ज़रिए भी उन्होंने आपको जो है वो क्लियर किया हुआ है कि किस तरह से आप और ईजिली समझ सकते हो. GMT. Greenwich means time is a standard time zone of Greenwich, a town in southeast London, England. Greenwich town is considered as 0 degree at the prime meridian. To calculate the time of your country, you must know the position of your country on the globe. For example, Pakistan is 75 degree in the east at the longitude of the globe. Pakistan's longitude 75 degree divided by 15 degree is equal to 5. Pakistan is the east of Greenwich, so it would be plus 5 hours in Greenwich. 12 o'clock at noon means 5 o'clock in the evening in Pakistan. 12 p.m. plus 5 is equal to 17 p.m. means 5 o'clock in the evening. अच्छा जी, ग्रीनविच जो है वो लंदन की एक सिटी है, और वो कहते हैं कि ग्रीनविच जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल जो है वो माना जाता है टाइम जोन के हिसाब से. तो अगर आप उससे डिवाइड करते हो या वो स्टैंडर्डली वही चलता है, तो अगर आप ग्रीनविच को देखो, अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो
तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिवाइडिंग एरिया है, उन्होंने बताया कि 5 घंटे का फर्क आ जाएगा, आप उसे 5 से डिवाइड कर दोगे तो अगर वहां पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो हमारे यहाँ पे शाम के 5 बजेंगे। तो उन्होंने बड़ा इजी करके बता दिया। उन्होंने और भी कुछ टाइमलाइंस जो है वो ऊपर आपको डायग्राम्स के हवाले से दी हुई है, वॉशिंगटन डीसी है, लंदन है, इस्लामाबाद है, नीचे उन्होंने उनका टाइम जोन दिया हुआ है, आप किस तरह से मैयर कर सकते हो और इजीली इसको जो है वो समझ सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।